2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहे थे, लगता है कि योगी आदित्यनाथ उस चीज को अभी भूल नहीं पाए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही राजभर की बातों को भुला दिया हो और फिर से उनकी पार्टी सुभासपा को एनडीए में शामिल कर लिया हो, मगर योगी आदित्यनाथ सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर को गाहे बगाहे इस बात का एहसास करा ही देते हैं कि उन्होंने योगी जी को क्या क्या कहा था। राजनीति में सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि व्यवहार, हाव भाव, बोलचाल, यहाँ तक कि पहनावे की भी एक अलग ही भाषा होती है जिसका संदेश दूर तक जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर से 16 जुलाई को मुलाकात की और एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि राजभर जी का एनडीए में स्वागत है। राजभर जी के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। इसके बाद यूपी के सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर राजभर की वापसी को हाथों हाथ लिया और बधाई संदेश भी जारी किए, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई तक नहीं दी। 21 जुलाई को ओम प्रकाश राजभर अपने दोनों बेटों के साथ योगी आदित्यनाथ से मिले, मगर चेहरे बता रहे थे कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही। योगी आदित्यनाथ ने ना ही अपने निजी हैंडल और ना ही अपने ऑफिस के हैंडल से मुलाकात की बाबत कोई जानकारी साझा की। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक में भी शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से उनके साथ हाथ मिलाया और उस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में छाई रही। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हर रोज होती रहती हैं, मगर सच्चाई ये है कि अभी तक इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री कैंप से राजभवन तक इसका जिक्र भी दूर दूर तक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच की तल्खियां 7 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिली, जब 6 विधायकों वाली सियासी पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर एक अदद कुर्सी के लिए तरस गए, जो तस्वीर में आप देख सकते हैं। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में डिजिटल कॉरिडोर का लोकार्पण किया, जिसमें 2 विधायकों वाले कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना तक को कुर्सी मिली, मगर ओम प्रकाश राजभर तस्वीरों में पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की किताब के विमोचन में भी संजय निषाद आगे की लाइन में दिख रहे हैं, मगर राजभर पीछे ही खड़े हैं। मजेदार बात तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर कई जगहों पर ये बोलते हुए सुने जाते हैं कि वो जल्द ही योगी जी की मंत्रिमंडल शामिल होंगे, मगर फिलहाल एक कुर्सी को छोड़िए एक स्टूल तक मयस्सर नहीं हुआ राजभर को। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ता, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवार, सियासत में आया भूचाल, देखिए कितना बदला प्रदेश।